हेलो बच्चों नमस्कार लास्ट क्लास में फिफ्थ क्वेश्चन जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फर्स्ट तो मैंने आपको ही दिया था ट्रेंगल का एरिया निकालने वाला है उसमें मतलब क्वारल का तो वो निकाल लेना वो टेंथ में ही पढ़ा है अपने ठीक है कह रहा है बेस ऑफ एन इक्विलेटल ट्रेंगल विथ साइड टू ए लाइज

तो भाई जब इधर की तरफ हो सकता है तो इधर की तरफ भी हो सकता है ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल दोनों तरफ हो सकता है ठीक है फिर ये भी टू ए होगा और ये भी टू ए होगा तो कह रहा है इसके वर्टिसेस बताओ तो भाई वर्टिसेस इसका क्या होगा जीरो ए इसका क्या होगा जीरो माइनस ए ये तो मिल गया अब ये दोनों निकालने रह गए क्योंकि इस तरफ भी हो सकता है ट्रैंगल इस तरफ भी हो सकता है ट्रेंगल तो वेरी सिंपल कैसे बच्चों देखो यहां से लेके अगर मैं यहां तक के डिस्टेंस निकाल लू बात खत्म और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालो तब भी बात खत्म और जब इसका निकल जाएगा तो ये सेम ही है दोनों तो कैसे निकलेगा देखो अगर ये ए है लेंथ टू ए है तो इसमें पाइथागोरस यूज कर सकता हूं नाम दो इसको ओ ए बी सी डी आ जाओ नाउ हाँ जी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल बेस ट्रैंगल बेस बेस पॉइंट ऑफ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रैंगल इक्विलेटरल ट्रैंगल ठीक है ठीक सो ओबी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ए ठीक है इन ट्रैंगल बी ओ एग पायथागोरस ठीक है तो क्या है भाई भाई हाइपोटेनिस की जगह पे कौन है ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर में ओ बी बेस में ओ ए बी टू ए का स्क्वायर ओ बी ए का स्क्वायर का स्क्वायर। तो चार ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर। तो तीन ए का स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर का पर आ जाएगा बच्चों का स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट थ्री ए तो ये आ गया बच्चों इसकी हाइट कितनी आ गई रूट थ्री ए तो ये भी आ जाएगा रूट थ्री ए इसका मतलब पॉइंट क्या आया रूट थ्री ए जीरो या माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो माइनस ए है एंड रूट थ्री ए कॉमा जीरो बन सकता है जीरो ए जीरो माइनस ए एंड माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो तो ये पॉइंट्स बन सकते हैं ठीक है नोट करो इसको चलो अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन फोर्थ देख सकते हो बहुत आसान सा है यार ये तो वैसे खुद ही कर लेना चाहिए तुम्हें लेकिन बहुत आसान सा ये जैसे देखो ए पॉइंट दे रखा है 7, 6. ये लोगों ने टेंथ में कर रखा है, और देखो 4, 3, 4. अब कह रहा है है पे पे, कोई है जो कि से मान लो पी यानी एपी का डिस्टेंस बीपी के बराबर है और एक्स एक्सिस पे, तो पे है तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स ना कोई ना कोई पॉइंट होगा लेकिन क्या होगा भाई वाई क्या होगा जीरो सो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एपी का डिस्टेंस बराबर होगा बीपी के डिस्टेंस के तो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर अंडर रूट फिर से भाई एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर रूट से रूट कट गया x2 मतलब x x1 एक्स टू मतलब x2 हाँ भाई एक्स माइनस थ्री वाई टू जीरो आ जाएगा एक्स सात का स्क्वाइन माइनस सेवन टू जो फोर्टीन एक्स खोल दिया ना इसे ओपन कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और छः का स्क्वायर थर्टी सिक्स इसमें भी ए माइनस बी का होली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी थ्री टू सिक्स एक्स और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ठीक है से कैंसिल और 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 कितने होते हैं ये आएगा ट्वेंटी तो फाइव प्लस का फोर्टीन एक्स जीरो सिक्स और ये हो गया चौदह में से छह आठ एक्स ठीक है आठ और जाके इधर ले आओ चार से काटोगे पंद्रह चार से घाटोगे दो गे, ठीक है तो यानी कि x आ गया 15 बाय टू सो द पॉइंट इज पॉइंट इज पॉइंट क्या बन गया 15 बाय टू कॉमा जीरो ठीक है लो बच्चों फिफ्थ मैंने कराई दिया था सिक्स और करा देता हूँ अभी पूरा खत्म करा दूंगा टेन पॉइंट वन आज आपको है ना फिर नेक्स्ट क्लास में टेन पॉइंट टू शुरू करा के चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने हाँ जी क्या है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास ना तीन पॉइंट हैं ट्रायंगल के एक राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक है 4 4 3 5 और -1 1 a b c ठीक है अब कह रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है प्रूव करो और वो भी बिना पाइथागोरस के तो ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं हम निकालेंगे क्या स्लोप ऑफ ए बी जिसे हम m1 का नाम देंगे तो एनी y2 y1 x2 x1 तो y2 कितना है ए बी तो बी टू वाला ए कॉमी वन वाला तो यानी पांच माइनस चार तीन माइनस चार एक 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 माइनस 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 वन चलो अब निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी टू बोलेंगे तो बी सी यानी कि वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन टू वन माइनस फाइव और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस वन माइनस थ्री तो यह आएगा माइनस का फोर ठीक है और ये आएगा माइनस का फोर माइनस से माइनस कट कट वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई वन एक माइनस चार माइनस एक चार तो ये आ गया माइनस तीन ये आ गया माइनस पांच तो ये तो तीन बटा पांच अब भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं तो कोई भी दो ऐसे स्लोप uh, देखो जिनका प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है तो देख लो सो so, मुझे दिख रहा है एम वन इंटू एम टू एम वन का माइनस वन इसका वन क्या माइनस वन आया सो दीज पॉइंट्स आर दीज पॉइंट्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है चलो

चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है

नो चेंज सिक्सटी तो यानी कि स्लोप जो आएगा बच्चों वो आपका स्लोप आएगा रूट माइनस रूट थ्री कितना आएगा माइनस रूट थ्री क्वेश्चन नंबर एट भी हाथों तो हाथ देख लो कह रहा भाई द वैल्यू ऑफ एक्स अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो कह रहा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है एक्स माइनस वन टू कॉमो वन फोर फाइव ये कोलिनियर है तो कह रहा भाई, X के find, तो ठीक है जी एबी का स्लोप बराबर होगा बीसी का स्लोप स्लोप ऑफ ए बी स्लोपी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई वन मतलब एक माइनस माइनस एक दो माइनस एक्स बराबर अगला पांच माइनस एक चार माइनस दो तो माइनस माइनस एक प्लस टू माइनस एक्स चार और ये दो कट गया दो इसके नीचे कुछ नहीं टू, में, टू, बराबर टू, वन। टू, से टू कट गया ये भी वन वन ठीक है तो क्या होगा पलट देंगे या पलटो मत एक इधर इधर का वन तो की की वैल्यू वैल्यू कितनी कितनी आ गई? वन। कितनी आ गई गई करो अब देखो देखो में भी कह रहा विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो so दैरिलोगोग्राम है तो क्या दिक्कत है भाई स्लोप निकालेंगे तो अगर कोई भी दो स्लोप आपस में बराबर आ रहे हैं वो भी जोड़े में तो इसका मतलब पैरलोलोग्राम है तो सिंपल कर, नोट करो इसे फिर ये बताता हूं ये हो गया

ए बी लगाओ वही देसी फॉर्मूला जो लगाते चल रहे हो हाँ जी तो जीरो माइनस माइनस एक चार माइनस माइनस दो तो एक चार प्लस दो तो एक बटा M, वन. अब निकालो स्लोप ऑफ बी सी जी तो वही वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एम टू वाई टू हाँ जी जीरो माइनस तीन चार माइनस तीन तो एम टू कितना आ गया माइनस तीन एक यानी एम टू आ गया तुम्हारा माइनस तीन चलो भाई अगला स्लोप ऑफ सी डी ठीक है तो भाई तीन एक बटा छ्री अब निकालो स्लोप ऑफ ए डी वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन हाँ जी तो दो माइनस माइनस एक और माइनस तीन माइनस माइनस दो तो कितना दो माइनस एक प्लस माइनस तीन प्लस का दो तो ये तीन बटा माइनस एक तो माइनस का तीन एम फोर तो देखो सो जो एम वन है वो एम थ्री के बराबर आ गया एक बटा छः के और जो एम टू है वो एम फोर के बराबर आ गया बराबर माइनस तीन के तो इसका मतलब क्या है ना भाई आर ऑफ द पैरलेलोग्राम पॉइंट ये पैरलेलोग्राम के पॉइंट है नोट करो इसे पैरलेलोग्राम के पॉइंट्स आ गए भाई भाई

चलिए देखें जरा इसको हाँ जी फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट भाई एंगल निकालना है और दो पॉइंट दिए हुए हैं ठीक है देखो ना अरे ये कह रहा है कि एक लाइन है, है? है ठीक है और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है 3 -1, वैसे तो गलत बना रहा हूँ इन दो के बीच में एंगल क्या बनेगा तो बहुत सिंपल वेरी सिंपल क्या भाई हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है y2 टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स यानी m बराबर वाई टू माइनस टू माइनस माइनस वन

अब आपको अच्छे से पता है भाई कि जो एंगल होता है ये माइनस में नहीं लिखते तो हमें चेक करना है कि भाई tan की वैल्यू नेगेटिव कौन-कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में और फोर्थ में तो सेकंड में लेके जाओ 180 45 ये सेकंड में चला जाएगा तो माइनस जाएगा tan 135 तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया 135 डिग्री ठीक है तो जो एंगल बना है वो 135 डिग्री बना है ठीक है करो ठीक है ये लो देख लो बारवा भी करवाई देता हूँ इकट्ठा क्वेश्चन नंबर बारह ये दस था है ना क्वेश्चन नंबर बारह भी देख लो देखो कह रहा लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस ये लो भाई एक लाइन है जो एक्स वन वाई वन एच और के इससे पास कर रहा है तो प्रूफ करना हमें कि स्लोप इसके बराबर तो बस ठीक है यार स्लोप ऑफ लाइन किस क्या है वाई टू माइनस वाई ठीक है ठीक और स्लोप ऑफ लाइन क्या है m है तो बस इसने खुद ही बोला कि स्लोप ऑफ लाइन m है तो y2 कितना है k y1 कितना है y1 x2 कितना है h और ये कितना है x1 उठा के मान ले जाओ बस हो गया m h x1 k y1 हो गया हेंस प्रूफ खत्म कहानी ये ना नकली सा क्वेश्चन था बच्चों चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूँ, इसके बाद पहले नोट कर लो आप चलो भाई ये नोट कर लिया होगा आपने ठीक है अब देखो बोला क्या इसने देखो क्या तीन पॉइंट है आपके पास बारह है कौन सा तेरह तेरह है कह रहा हूं भाई तीन पॉइंट है आपके पास एक पॉइंट है एच कॉमा जीरो एक पॉइंट है ए कॉमा बी जीरो के ठीक है जी अब कह रहा है कि इसको प्रूफ करो अगर ये कोलिनियर है तो प्रूफ करो ए अपॉन में एच प्लस बी अपॉन में के बराबर वन ठीक है जी इसको ए नाम देते हैं इसको बी नाम देते हैं इसको सी नाम देते हैं दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा बराबर क्योंकि कोलिनियर है सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी तो बस बात खत्म y2 y1 x2 x1 बराबर y2 y1 x2 x1 तो y2 कौन है b ये 0 a h ये कितना है हाँ भाई k b जीरो माइनस ए तो बी अपॉन में ये हो गया के माइनस बी अपॉन में माइनस का ए हो गया उधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का ए बी इधर मल्टीप्लाई कर दो के माइनस बी ए माइनस एच माइनस का ए बी ये हो गया ए के एच के ये हो गया माइनस का ए बी ये ये हो गया इधर प्लस बी एच माइनस का ए बी इधर आके हो जाएगा प्लस का ए बी ठीक है बराबर क्या बचा ए के बी एच माइनस एच के कट गया जीरो माइनस का एच के उठा के ले प्लस. तो इसको लिख लो, -H, H भाई एच के चाहिए मुझे वन चाहिए ठीक है तो सबको क्या करो डिवाइडेड बाय के क्योंकि मुझे एच के तो चाहिए नहीं तो सबको एच के से डिवाइड कर दो तो बस ए के अपॉन में एच के बी एच अपॉन में एच के एच के अपॉन में एच के ए कट गया वन एच से एच कटा के से के कटा ए अपॉन में एच बी अपॉन में के बराबर वन यही प्रूफ करना था हैंस करो है ना सिंपल करो जे एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है लगे हाँ तो भाई वो भी देख लो चलो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फिर 10.1 खत्म हो जाएगा 10.2 नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कल हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन ठीक है जी इफ द टेंजेंट बिटवीन देम इज वन बाई थ्री यानी कि टें फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ठीक है क्या दिक्कत है हाँ जी देखो लेट द स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ऐसा मानते हैं कि वो एम है एंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन तो क्या ले लेंगे टू एम क्योंकि उसका डबल बता रहा है उसमें सो so, यानी हम कह सकते हैं कि एम वन जो है ठीक है यानी बस एक को एम ले लिया एक को टू एम डबल बता रहा है ठीक है और साथ ही साथ क्या बोला हमें कि भाई इनके बीच का एंगल न? 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 इनके बीच का एंगल जो है वो वन बाय थ्री है ठीक है एंगल बिटवीन द इज क्या भाई वन बाय थ्री सो हमें तो अच्छे से पता है वो एम टू माइनस एम वन क्या होता है one plus में में के अंदर जाएगा तो one by three. Two M minus M तो कितना बन गया एम बन जाएगा और ये बन जाएगा वन प्लस में टू एम का स्क्वायर चलो अब बात आती है मोड के अंदर अब बात क्या आती है मोड के अंदर तो बच्चों जब मोड के अंदर सोल्व करना होता है ना तो दो तरीके से सोल्व करते हैं कैसे एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस में लेके तो एक बार बच्चों प्लस में लेके सॉल्व कर दो इफ इट इज पॉजिटिव एक बार प्लस में लेके सॉल्व कर दो उठा के वहां उठा के वहां थ्री एम इस पूरे क्वेश्चन

एक ही। ठीक है नौ no. अब क्या है एक बार इफ इट इज नेगेटिव तो नेगेटिव में क्या करेंगे अब की बार नेगेटिव हिस्सा ले लेंगे भाई तो बस बात खत्म इसको इससे करेंगे टू एम इसको इससे करेंगे माइनस का थ्री एम माइनस का थ्री एम इधर आ जाएगा प्लस का थ्री एम प्लस वन जीरो तब भी वही फैक्टर बनेगा टू एम प्लस एम प्लस वन बराबर जीरो तो 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 बच्चों मोड से जब भी कोई चीज बाहर निकलती है तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ तो एम प्लस वन बराबर जीरो और एक बार टू एम प्लस वन बराबर जीरो तो एम बराबर वन माइनस का और टू एम एम बराबर माइनस वन बाय टू ठीक है तो देखो अब आपसे क्या पूछे बस ठीक है जी स्लोप ऑफ लाइन निकल गया अगर एक स्लोप वन है तो दूसरा स्लोप क्या होगा टू होगा ठीक है देखो ना नाउ इफ एम इज इक्वल टू वन देन यानी ऐसे लिखना एम वन बराबर एम और एम टू बराबर टू एम ऐसे लिखना ठीक है तो अगर एम वन एम है तो एम टू क्या होगा टू अगर एम वन कितना है वन बाय टू है तो एम टू कितना होगा वन अगर एम वन माइनस वन है तो एम टू कितना होगा माइनस टू और अगर एम वन माइनस -1/2 है तो m2 कितना होगा माइनस -1 बस इस तरीके से लिखना है ठीक है बच्चों तो इसी के साथ आपका ये खत्म होता है 10.1 नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे यानी कि 10.2 ठीक है तो 10.1 आपका खत्म हो चुका है 10.2 के लिए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में